आज आपका जो अनशन है किस उद्देश्य से बैठे हैं और ये क्या आप कहना चाहते हैं? अनशन के माध्यम से मैं राजस्थान सरकार को चेताना चाहता हूं और मैं उन लोगों को चेताना चाहता हूं जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, जो गैंग लगातार गिद्ध दृष्टि डाले रहते हैं, जाति धर्म संप्रदाय देखकर लाशों की राजनीति करते हैं। इसके नाते मैं आज अनशन पे बैठा हूँ। राजस्थान का प्रकरण है, जैसे महाराष्ट्र में संत की निर्मम हत्या होती है, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुआ। उसी प्रकार आज देखिए दुर्भाग्यपूर्ण घटना है राजस्थान का। राजस्थान में जिस हिसाब से एक गरीब ब्राह्मण को तेल डालकर और जिंदा फूंक देता है, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। जबकि वह पंडित जो है वो मंदिर का पुजारी है और देखरेख करता है, पूजा पाठ करता है, और वह 15 दिन पूर्व में ही उसने एप्लीकेशन दिया था सरकार को, वहाँ के प्रशासन को, कि हमारी जान को खतरा है, वहाँ पर भूमाफिया मेरे जान के पीछे पड़े हुए हैं, कभी भी मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण था, हो भी गया ऐसा, प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया, जिंदे उसको लोगों ने फूंक दिया। फूंकने के बाद देखिए वो हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हो गई, मृत्यु तो हुई, दर्दनाक मृत्यु हुई। उसके बाद देखिए उसके परिवार के लोग 24 घंटा तक लाश रखकर और प्रदर्शन किए, तब जाके लोकल के प्रशासन 24 घंटे बाद पहुंचता है, जबकि 34 से 35 किलोमीटर डीएम आवास है, वहां से 3 से 4 किलोमीटर एक वहां के सरकार के मंत्री का घर है, कोई नहीं पहुंचा, किसी के कान तक जू नहीं रहेगा। कहां चले गए वो लोग कहां चले गए जो गिर पड़ते थे, जो चिल्लाते थे, जो जाति धर्म संप्रदाय देखकर लाश पे राजनीति करते थे, वो लोग कहां चले गए? क्या उनको सुनाई नहीं देता, उनको दिखाई नहीं देता, उनके मुंह में दही जम गया, वो बोलते तक नहीं, ट्वीट तक नहीं किया, कहां ये निंदनीय है, ये गलत है, इस सजा मिलनी चाहिए। अभी तक जो है 6 लोगों को उसमें नाम है, 1 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, 5 लोग घूम रहे हैं, अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई। और वो निर्धन ब्राह्मण, 6-6 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं, उसका लालन पालन कौन करेगा, कौन खिलाएगा? भिक्षाटन करके भीख मांग के खिलाता था, गांव में सीधा मांगता था, उन लोगों से सामग्री बांधता था, तब जाके चलता। आज भी वो महिला धरने पे बैठी है, चूल्हा नहीं जलाई है, और वो कह रही है जब तक राहुल बाबा नहीं आ जाएंगे, प्रियंका गांधी नहीं आ जाएंगी, तब तक मैं चूल्हा नहीं जलाऊंगा, कोई भोजन नहीं करेगा, यह स्थिति है। इसके नाते मैं आज धरने पे बैठा हुआ हूँ। हमारी मांग है कि 1 करोड़ रुपया प्लस उसके परिवार को मुआवजा, सरकारी व्यवस्था प्रदान किया जाए, जिससे उस परिवार के लोगों को जीविका चल सके। महाराज जी, आप अनिश्चितकालीन बैठे हुए हैं, अगर ये मांग अगर नहीं पूरी होती है तो उसके लिए क्या आपकी रणनीति रहेगी? रणनीति है, मैं जब तक उनकी मांग नहीं, जब तक उनके सुनवाई नहीं होगा, जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएगी, तब तक मैं इसे धरने पर बैठा रहूँगा। तो ये महाराज जी देखा जाए तो इस बार संतों की हत्या जिस प्रकार से अधिक हो रही है, तो इस पर क्या आप सोचते हैं, ऐसा क्यों? पूरे देश में इस प्रकार के कुचक्र चल रहे हैं, पूरे देश में ईसाई मिशनरी, वामपंथी विचारधारा के लोग, ऐसे लोग जो धर्म परिवर्तन कराने का, मठ मंदिर कब्जा करके वहाँ के जमीन अधिग्रहण करने का मामला, और लव जिहाज वाले लोग, मंदिर कब्जा करने वाली गैंग, ऐसे गैंग बहुत चालाक है, बहुत तेज है। क्या है कि हिंदू भोले वाले हैं, हिंदू सबको गले लगाने का काम करता है, सबको एक साथ ले चलने का काम करता है, सबको फलने फूलने का अधिकार देता है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। आप देख सकते हो कि हिंदुस्तान में हर व्यक्ति स्वतंत्र से जिसको जो मर्जी बोलता है, जिसको जो मर्जी वो कहता है, जिसको जो भी मर्जी होता है वो करता है, ऐसा हिंदुस्तान है। इसके नाते मैं निवेदन करूँगा केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से, कि जहाँ पर भी इस प्रकार के मामले हों, कम से कम सख्त से सख्त कार्रवाई हो, जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी हो, उनको सख्त से सख्त सजा मिले, नहीं तो इनका मन बढ़ता रहेगा, ऐसे करते रहेंगे। आखिरी क्वेश्चन है महाराज जी, ये जो सोनिया सेना मुर्दाबाद आप बैनर लिए हुए हैं राजस्थान सरकार से, और सोनिया से क्या आपकी अपील है? सोनिया सेना मुर्दाबाद इसके नाते कह रहा हूँ, राहुल गांधी मुर्दाबाद इसके नाते कह रहा हूँ, प्रियंका वाड्रा मुर्दाबाद इसके नाते कह रहा हूँ, राजस्थान सरकार कब चेतोगे, कब सुनोगे, न्याय दो इसके नाते कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ कांग्रेस की सरकार है और राहुल बाबा ऐसे मामले में तुरंत कूद पड़ते हैं, तुरंत दौड़ पड़ते हैं, तो किससे कहने जाएं, क्योंकि वहाँ तो सरकार कांग्रेस की है। और मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, माननीय गृह मंत्री जी से भी निवेदन करूंगा, और वहाँ के राज्यपाल महोदय से भी निवेदन करूंगा, और उच्चतम न्यायालय चीफ जस्टिस से भी निवेदन करूंगा कि कहाँ चले गए वो, तुरंत संज्ञान में मामले को ले लेते हैं, कहाँ ये लोग, क्यों शांत हैं, क्यों चुप हैं, कम से कम बोलें, वहाँ कार्रवाई करें और सख्त से सख्त निर्देश दें। इसके नाते मैंने ऐसा लिखा है।